फ्रेंड्स, लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो S10 की और आज हम लोग करेंगे इसका फुल रिव्यू आप सबके लिए और ख़ास करके उन फ्रेंड्स के लिए जो इसे लेने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके प्राइस डिटेल्स की, फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की, कलर्स की और लास्ट में बात करेंगे समरी की। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाड़ी का नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो S10, जिसकी प्राइस है इंडिया में 13,22,000 रुपीज़, यानी लगभग 13,22,000 रुपये। इस गाड़ी की लंबाई है 4,456 मिलीमीटर। विड्थ यानी चौड़ाई की बात करें तो ये आपको मिलेगी 1,820 मिलीमीटर की। हाइट यानी ऊंचाई है इसकी 1,995 मिलीमीटर। व्हील बेस की बात करें दैट इज़ 2,680 मिलीमीटर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें दैट इज़ 180 मिलीमीटर। बात करते हैं कैपेसिटी सेक्शन की, यहाँ पे आपको 5 दरवाजे मिलेंगे, 7 से 8 लोगों की बैठने की जगह है। नंबर ऑफ सीटिंग रोज इसमें 3 हैं। 60 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और अब बात करते हैं इंजन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम की, यहाँ पे आपको फ्यूल टाइप मिलेगा डीजल गाड़ी है ये। एंड मैक्सिमम पावर की बात करें दैट इज़ 120 BHP एट द रेट ऑफ 4000 RPM। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें दैट इज़ 280 Nm एट द रेट ऑफ 1800 RPM। वॉल्व्स की बात करें तो इसमें 4 वॉल्व्स हैं। सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें दैट इज़ DOHC एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंजन इज़ 2179 cc, लगभग 2180 cc का इसमें इंजन लगा हुआ है। फ्यूल सिस्टम की बात करें दैट इज़ कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन एंड इंजन टाइप इज़ 4-सिलेंडर MHAWK CRDE डीजल इंजन। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी की माइलेज है लगभग 15.4 km/L, यानी 15.4 km/L की माइलेज देती है। और ये गाड़ी टर्बोचार्ज्ड है। टर्बोचार्जर टाइप की बात करें दैट इज़ फिक्स्ड ज्योमेट्री और यहाँ पे आपको सिलेंडर्स 4 मिलेंगे इनलाइन। 5 गियर्स हैं इसमें और ट्रांसमिशन टाइप इसका मैनुअल है। रियर व्हील ड्राइव कार है ये एंड यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन मिल रहा है। आगे बात करते हैं सस्पेंशन, ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग की। सस्पेंशन फ्रंट का इंडिपेंडेंट विद कॉयल स्प्रिंग एंड एंटी रोल बार है। सस्पेंशन रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको मल्टी लिंक कॉयल स्प्रिंग मिलेगा। फ्रंट ब्रेक टाइप डिस्क है एंड रियर ब्रेक टाइप इसका ड्रम है। मिनिमम टर्निंग रेडियस ऑफ दिस कार इज 5.4 मीटर्स, यानी 5.4 मीटर की इसकी मिनिमम टर्निंग रेडियस है। स्टीयरिंग टाइप की बात करें दैट इज पावर असिस्टेड हाइड्रोलिक स्टीयरिंग। और व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगी। स्पेयर व्हील स्टील है। फ्रंट टायर्स एंड रियर टायर्स की जो मेजरमेंट है वो है 235/65 R17। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूँ तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। तो आगे बात करते हैं इसके फीचर्स की, यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर में 2 एयरबैग्स मिल रहे हैं फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर। इस गाड़ी में आपको एयरबैग्स के अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी TPMS एंड सीट बेल्ट वार्निंग, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं। ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी EBD, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको ब्रेकिंग सिस्टम में मिल रही हैं। आगे बात करते हैं लॉक्स एंड सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे आपको इंजन इमोबिलाइजर मिल रहा है, सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट कंट्रोल सीट, यहाँ पे आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक ये यहाँ पे अवेलेबल है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स इसमें अवेलेबल हैं। तो लॉक्स एंड सिक्योरिटी सेक्शन में आपको 4 चीज़ें मिल रही हैं, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और चाइल्ड सेफ्टी लॉक। तो आगे बात करते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस सेक्शन की, इस सेक्शन में आपको एयर कंडीशनर मिल रहा है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इसमें रियर एसी भी है जो कि वेंट्स EKL दी गई है एंड 12V पावर आउटलेट्स इसमें 2 लगे हुए हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट इसकी टिल्ट है एंड क्रूज कंट्रोल इसमें अवेलेबल है। पार्किंग सेंसर्स इसमें रियर के लिए लगे हैं। एंटी ग्लेयर मिरर्स की बात करें दैट इज़ फॉर मैनुअल इंटरनल ओनली। हेज हीटर इज ऑल्सो अवेलेबल। तो आगे बात करते हैं सीट अपहोल्स्ट्री की, तो यहाँ पे आपको सीट अपहोल्स्ट्री फैब्रिक मिलेगी। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट इसमें मैनुअल विद हाइट एडजस्टमेंट दी गई है। हेडरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों के लिए हेडरेस्ट मिलेंगे। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट इसका मैनुअल है। ड्राइवर आर्मरेस्ट है इसमें। रियर पैसेंजर सीट्स इसमें बेंच दी गई है। रियर पैसेंजर एडजस्टेबल सीट्स इसमें मैनुअल है।
इसकी जो थर्ड रो सीट्स हैं वो जंप सीट है, और इस गाड़ी का जो इंटीरियर है, इंटीरियर इसका ड्यूल टोन का है। इंटीरियर कलर की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रे एंड ब्लैक दो कलर्स में अवेलेबल है। इस गाड़ी में रियर आर्मरेस्ट आपको अवेलेबल है एंड स्प्लिट रियर सीट इसमें 60:40 स्प्लिट की दी गई है। आगे बात करते हैं सीट पॉकेट्स की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट के लिए दी गई है एंड एडजस्टेबल हेड रेस्ट की बात करें, दैट इज फॉर फ्रंट एंड रियर बोथ, फ्रंट और रियर दोनों के लिए एडजस्टेबल हेड रेस्ट यहाँ पे दी गई है। कप होल्डर्स इसमें केवल फ्रंट के लिए दी गई है। आगे बात करते हैं डोर्स विंडोज मिरर्स एंड वाइपर्स की, तो यहाँ पे आपको वन टच डाउन फॉर फ्रंट ओनली, यहाँ पे आपको फ्रंट के लिए केवल मिल रहा है वन टच डाउन। एंड पावर विंडोज इसमें फ्रंट और रियर दोनों के लिए हैं, दोनों दरवाजों चारों दरवाजों में आपको फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको पावर विंडोज मिलेंगी। एंड बात करते हैं आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स यानी ORVMs की, तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर मिलेगी। जो इसका एडजस्टेबल ORVM है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। रियर डिफॉगर इसमें अवेलेबल है विद रियर वाइपर्स, रियर वाइपर भी इसमें अवेलेबल रहेगा। बात करते हैं डोर हैंडल्स की, यहाँ पे जो एक्सटीरियर डोर हैंडल्स है वो बॉडी कलर्ड है एंड इंटीरियर डोर हैंडल्स इसमें पेंटेड है। रेन सेंसिंग वाइपर्स की बात करें, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। डोर पॉकेट्स की बात करें, यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर दोनों के लिए डोर पॉकेट्स मिल रहे हैं। एंड बूट लिड ओपनर की बात करें, दैट इज विद की। आगे बात करते हैं एक्सटीरियर सेक्शन की, इस सेक्शन में आपको रूफ रेल्स, रूफ माउंटेड एंटेना एंड बॉडी कलर्ड बम्पर्स, ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट थिंग की, जो है लाइटिंग। लाइटिंग सेक्शन में आपको हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर मिलेगा, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स इसमें, डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं इसमें, एंड फॉग लैम्प्स है इसमें फॉर फ्रंट ओनली, टेल लैम्प्स इसमें कन्वेंशनल दी गई है, केबिन लैम्प्स है इसमें फॉर फ्रंट एंड रियर बोथ, यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों के लिए मिलेगी आपको केबिन लैम्प्स, एंड हेडलाइट हाइट एडजस्टर है इसमें। सो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका एनालॉग है, ट्रिप मीटर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर टू ट्रिप्स दी गई हैं, एवरेज फ्यूल कंजप्शन है इसमें एंड एवरेज स्पीड है इसमें, डिस्टेंस टू एम्प्टी दी गई है इसमें, क्लॉक इज डिजिटल हियर, लो फ्यूल लेवल वार्निंग है इसमें एंड डोर अजर वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं विद टैकोमीटर दैट इज एनालॉग। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, जो है इंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्शन। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड इंडेस्ट म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, हेड यूनिट साइज फॉर टूरिंग एंड डिस्प्ले स्क्रीन फॉर रियर पैसेंजर्स इसमें आपको नहीं मिलेगा, बट GPS नेविगेशन सिस्टम है इसमें, चार स्पीकर्स दिए गए हैं, USB AUX कॉम्पैटिबिलिटीज हैं विद ब्लूटूथ कॉम्पैटिबिलिटी जो कि सपोर्ट करेगा फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग। आगे बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगी MP3 प्लेबैक विद CD प्लेयर, AM और FM रेडियो भी इसमें अवेलेबल है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है इसमें। अब बात करते हैं इस गाड़ी की वारंटी की, तो यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी एंड 50,000 किलोमीटर तक की वारंटी है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी महिंद्रा स्कॉर्पियो S10, जिसकी प्राइस डिटेल्स, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, कलर्स, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई इस वीडियो में। तो चलिए समरी की तरफ चलते हैं। समरी इसकी स्कॉर्पियो की है, S10 की। लेंथ ऑफ दिस कार इज 4,456 मिलीमीटर, विड्थ इज 1,820 मिलीमीटर, हाइट की बात करें दैट इज 1,995 मिलीमीटर, सीटिंग कैपेसिटी इसमें 7 से 8 लोगों के लिए है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें दैट इज 2,179 cc यानी लगभग 2,180 cc का इसमें इंजन अवेलेबल है, फ्यूल टाइप की बात करें दैट इज डीजल, मैक्सिमम पावर की बात करें दैट इज 120 bhp एट द रेट ऑफ 4,000 rpm, मैक्सिमम टॉर्क की बात करें दैट इज 280 Nm एट द रेट ऑफ 1,800 rpm, माइलेज की बात करें तो माइलेज ऑफ दिस कार इज 15.4 km/L यानी 15.4 km/L की ये माइलेज देगी। अल्टरनेट फ्यूल इज नॉट अप्लीकेबल हियर, बट ट्रांसमिशन टाइप इसका मैनुअल है, 5 गियर्स इसमें दिए गए हैं, रियर व्हील ड्राइव कार है ये, एंड एयर कंडीशनर की बात करें दैट इज ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्ड, पावर विंडोज की बात करें दैट इज फॉर फ्रंट एंड रियर बोथ, और यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट कंट्रोल मिल रही है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें यानी ABS इसमें अवेलेबल है। एयरबैग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगी फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट अपोस्ट्री की बात करें दैट इज फैब्रिक हियर, एंड फ्रंट टायर्स एंड रियर टायर्स की जो मेजरमेंट है वो है 235/65 R17। तो अंत में ये वीडियो शूट हुआ है सुल्तानपुर महिंद्रा शोरूम में,
और आपको कोई भी डिटेल इस गाड़ी की चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए इस चैनल को और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जब भी नई वीडियोज़ डालूँ तब तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए, क्योंकि मैं ऐसी ही टेक्निकल वीडियो डेली लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे, बाय। वीडियो पूरा देखिए।